अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम घोली की भाजी बना रहे, कोकनी डिश है ये। ये घोली की भाजी है, मैं बता रही कैसी रहती है। वो मसूर की दाल में पका रहे। ये देखो, ये घोली की भाजी है। ये कैसी भाजी है वो देखो, ये ऐसी भाजी है। बड़ी भी आती है, छोटी भी आती है। छोटी जल्दी गल जाती है, और छोटी की डंडी के साथ लेने का, और बड़ी की खाली पत्ते लेने की। देखो कैसी है, तो ये जल्दी नहीं मिलती घोली की भाजी, और तेरा जल्दी नहीं मिलता। इसलिए मैं अभी हमको मिला, इसलिए हमने जल्दी से तेरा भी डाले। अभी घोली की भाजी बता रहे। अभी देखो ये भाजी डाले हम पूरी एक गट्टी भाजी लिए, और उसको साफ करके धो के डाले, और उसके अंदर आधा पाव मसूर दाल डाले। और अब इसको उबाल के लिए, अभी उबाल के लिए अभी इसको ऐसा ऐसा घोटने का, एकदम पिघला देने की उसको, ऐसी घोटने की। ये मसाला है, 3 चम्मच खोपरा है, 3 चम्मच धनिया है, और 6 मिर्ची है, और 1 चम्मच जीरा है। इसको भून के हमने ऐसा पीसे, ये देखो ऐसा पीस के फिर वापस अपन इसमें डालेंगे जब भुनेंगे। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लहसुन का पेज है, अदरक का नहीं है, इसमें अदरक नहीं डालते। और कश्मीरी लाल मिर्च है ये 1 चम्मच, और ये 4 कांदे चॉप करके लियो, और ये इमली का रस है, 4 टमाटे का रस है, इतनी इमली है और 4 टमाटे इसमें, 1 कोथमीर पुदीना है, और 1 तेल है। अभी हमने इधर तेल डाल दिए, 2 चम्मच तेल डाले हैं। अभी हम इसमें कांदा डालेंगे, ये देखो कांदा डाले, कांदे के साथ नमक डालेंगे, ये देखो 1 चम्मच नमक बराबर हो जाता है। अगर आपको कम लगे तो कम डालो, लेकिन 1 चम्मच नमक कुछ भी ज़्यादा विदा नहीं होता, बराबर होता है। जितना अपन पकाते ना वो हिसाब से 1 चम्मच नमक। आप एकदम कम पका रहे तो फिर थोड़ा सा नमक डालो। अभी इसको 1 मिनट पकाएंगे, कलर बदली होने पर। कांदे का कलर बदली हो गया, देखिए अभी हम इसको लहसुन डालेंगे, कोथमीर करी पत्ता डालेंगे। अभी इसको अच्छा भुनेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इसको अच्छा भुनेंगे। मसाला बनाए थे ना, दरदरा पीसे थे, अभी ये मसाला डाल के भुनेंगे खुशबू आने तक, तेल छोड़ने तक भुनेंगे। अच्छा, आप हमारी तारीफ करते हैं, अच्छा अच्छा बना के खिलाओ, सिखाओ हम लोग को, तो मैं सिखा रही हूँ, मेरे को दुआ दो। आपने जो मेरे को रिक्वेस्ट भेजे हैं ना, मेरे को उसकी खुशी है कि आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो मैं आस्ते आस्ते सब पकाऊंगी, एक साथ तो पका नहीं सकते ना, हाँ तो आस्ते आस्ते पकाऊंगी। देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तेल भी छोड़ दिया। वो जो आपने कलसोनी सांदन खजूरी सब बोले ना बनाने के लिए, तो वो सब मैंने बनाई हूँ। तो जाके मेरे इसमें नए किचन में जाके देखो, पूरा रिक्वेस्ट मैं पूरा बनाई, आप जो कोकनी रेसिपी के फोल्डर में देखो जाके, सब बनाई हूँ। कितने जन बना के सीख भी गए, आप देखो और बनाओ, खाओ, मुझे दुआ दो, और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये इमली का रस और टमाटा, ये भी भून के हो गया। अभी हम ये भाजी को अच्छे से घोटे हैं, पिघला दिए उसको, अभी हम इस पर डाल देंगे, और पकाने को अच्छे से 5 मिनट पकाएंगे इसको। इसको मिक्स करेंगे और ढककर रखे बारीक आंच पे 5 मिनट पकाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अभी ढककर रखेंगे, ये देखो घोल की भाजी हमने अभी पकाए, आपको दिखाए हैं, हाँ को उबल आ गया, पक गई, एकदम पिघल गई। देखो घोटे तो और पिघल गई, कुकर में उबाले इसको, हाँ हो गई। अभी हम आपको बता रहे, सब कर रहे हैं। ये घोल की भाजी बनके तैयार है, मसूर की दाल में, बहुत अच्छी लगती, बहुत टेस्टी लगती,
उसको गेहूं की, चावल की रोटी, जवारी बाजरी नाचनी सब रोटी, कनकुट की रोटी के साथ खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।